जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के आदेश पर एक महीने बाद कब्र खोदकर युवक के शव को कब्र से बाहर निकाला गया ताकि मृतक की मृत्यु का कारण पता चल सके। शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मंगलोर थाना क्षेत्र के टांडा भनेडा गांव में लगभग एक माह पूर्व मुजम्मिल नाम के युवक की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने मृतक को पत्नी के परिवार वालों के आने से पहले ही दफना दिया था। इसी को लेकर मृतक की पत्नी ने नैनीताल न्यायालय में याचिका दाखिल की और मृतक की मौत का कारण जानने की इच्छा और हत्या की आशंका भी जताई थी। इसी को लेकर कोर्ट के आदेश पर आज मृतक मुजम्मिल की कब्र को खोदा गया ताकि उसकी हत्या का कारण पता चल सके। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कब्र को खोदकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कब्र खोदते समय हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे और भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया था ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। क्राइम स्टोरी के लिए मंगलोर से अकील अहमद की रिपोर्ट। ये मामला यही था कि इसे जबरदस्ती से मारा गया है। हमें 2:30 बजे का टाइम दिया गया था जोर का कि इसे जोर में दफनाएंगे और इन्होंने हमारे आने से पहले पहले इसे दफना दिया था तकरीबन 12 बजे के आसपास। हमारे आने का भी इंतजार नहीं किया और क्या नाम हमारे से पहले पहले इसे दफना दिया। ये मामला समा परवीन जो मृतक है उनकी वाइफ है उन्होंने मृतक के मृत्यु के कारणों की सही जानकारी होने के लिए रिट याचिका माननीय हाईकोर्ट में की गई थी। माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार जिलाधिकारी महोदय को आदेश दिया गया था कि वो कब्र को खोद करके डेड बॉडी को निकाल करके उसका पोस्टमार्टम किया जाए। इसी संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे एज ए मजिस्ट्रेट यहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल करने हेतु उपस्थित रहने के आदेश प्राप्त हैं और जो भी इसमें कार्रवाइयाँ होनी हैं जिस तरीके से होने जो निर्देश दिए गए थे निर्देशों के अनुसार ही सारी कार्रवाइयाँ यहाँ पर की जा रही हैं। कब्र खोदी जा रही है और उसके बाद डेड बॉडी को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा।